OnePlus ने टोटल 2 टाइम्स OnePlus Y1S 4K Pro स्मार्ट टीवी को लॉन्च किया है, नंबर 1 मार्च मंथ पे, नंबर 2 नवंबर मंथ पे। मार्च मंथ पे हुआ था 43 इंच और 50 इंच, और लेटेस्ट जो मॉडल है वो है नवंबर मंथ पे 55 इंच वाला। दोनों में कुछ डिफरेंस है, ओके, वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। बट अगर आप 43 इंच 50 इंच का डिटेल रिव्यू जानना चाहते हो, देन ऑब्वियसली अब इस वीडियो को चेक करना, या फिर मत करना। अगर मत करते हो तो ये टीवी कभी मत परचेस करना, आपको ज़रूर इस वीडियो को चेक करना चाहिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्योंकि मैंने बहुत कॉन्स बताया है इस टीवी का, ओके। और जो 55 इंच टीवी है उसका जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कुछ नॉर्मल फीचर्स के बारे में, यानी कि जो पिक्चर क्वालिटी है, जो फीचर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टीवी में आपको 8-bit FRC VA पैनल देखने को मिलेगा। VA पैनल का मतलब है इसमें आपको डीप ब्लैक्स बहुत अच्छे तरीके से नज़र पे आएगा, बट IPS पैनल पे कलर्स थोड़ा अच्छे तरीके से नज़र पे आता है, और VA पैनल पे आपको व्यूइंग एंगल थोड़ा कम देखने को मिलता है। अगर आप साइड से देखते हो तो थोड़ा आपको कलर डिग्रेडेशन नज़र पे आएगा। आप इसका पिक्चर क्वालिटी देख सकते हो, पिक्चर क्वालिटी अच्छा है, ख़राब तो नहीं कहूँगा, बहुत ही अच्छा है। बट IPS पैनल अगर ये होता तो इसका कलर्स और भी बेटर होता, ओके। इसका जो पीक ब्राइटनेस है वो है 400 निट्स के आसपास। ये एक 60 हर्ज का टीवी है, इसमें आप MEMC टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा, यानी कि मोशन एस्टिमेशन मोशन कंपनसेशन, यानी कि एक इमेज को एक वीडियो को कितना स्टेबलाइज मैनर पे ये दिखा सकता है। इस पर आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड देखने को मिलेगा, यानी कि गेमर्स के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंड इसमें आपको EARC पोर्ट भी देखने को मिलता है जिसमें ऑटो लो लेटेंसी मोड सपोर्ट करता है फॉर द गेमर्स। एंड ये जो टीवी है इसमें आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। HDR10 HDR10 प्लस LG का सपोर्ट देखने को मिलेगा, बट डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा, बट डॉल्बी एटमोस का ऑब्वियसली सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका साउंड बार एक परचेज करते हो जिसमें डॉल्बी एटमोस सपोर्ट करता है, देन आप बहुत अच्छे तरीके से इसका डिकोडिंग को एंजॉय कर पाओगे डॉल्बी एटमोस का। नेक्स्ट बात करते हैं जो डिफरेंस है इन दोनों टीवी के अंदर। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप किसी भी टीवी का वारंटी को एक्सटेंड करना चाहते हो, देन वन ऑफ द बेस्ट वारंटी सर्विस प्रोवाइडर्स आप गो वारंटी के साथ जा सकते हो। इंडिया का 20,000 प्लस पिन कोड्स को ये कवर करता है। सपोज परचेस करने के 2 साल बाद आपका टीवी पे कोई प्रॉब्लम आया, देन गो वारंटी कैन रिपेयर योर टीवी एंड यू कैन सेव योर फ्यूचर ऑफ योर टीवी विद द हेल्प ऑफ गो वारंटी। जो डिस्क्रिप्शन पे आपको गो वारंटी का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक देखने को मिलेगा, सो ज़रूर टीवी परचेज करने के बाद गो वारंटी को परचेज कीजिए। और 5 स्टेप्स आफ्टर परचेजिंग स्मार्ट टीवी मैंने ये वीडियो बनाया था, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप टीवी परचेज करते हो। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर देखने को मिलेगा, और जो टीवीज का लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर देखने को मिलेगा। आपको टोटल 2 वीडियोज देखना है एक्चुअली अगर आप इस टीवी को परचेज करना चाहते हो। जो मैंने डिटेल रिव्यू बनाया है वो आपको देखना चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि अगर आप गलती से ये टीवी परचेज करते हो देन कुछ फीचर्स आपको इस पर नहीं देखने को मिलेगा। सपोज़ आपको इधर डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं मिलेगा, ओके। इस तरह का बहुत सारा कॉन्स है जो कि मैंने उस वीडियो पे एक्सप्लेन किया है, तो ज़रूर उस वीडियो को चेक कीजिए। एंड 5 स्टेप्स आफ्टर परचेजिंग स्मार्ट टीवी, ये भी बहुत अच्छा एक वीडियो मैंने किया था, ये वीडियो भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि मतलब टीवी परचेज करने के बाद कुछ स्टेप्स फॉलो अगर नहीं करते हो आप, देन आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। सो दिस इज व्हाई यू कैन चेक। नेक्स्ट बात करते हैं जो 55 इंच वाला नया वेरिएंट है, मतलब नया मॉडल है, ये कोरोना थोड़ी है, वेरिएंट होगा। तो जो नया मॉडल है उसमें आपको थोड़ा रिस्पॉन्स टाइम कम देखने को मिलता है। आपको 6.5 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिलता है, बट जो प्रीवियस मॉडल्स है 43 इंच और 50 इंच का जो कि मार्च महीने पे लॉन्च हुआ है उसमें आपको 8 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिलता है। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब होता है सपोज़ एक पिक्सल एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट पे ट्रांसफ़र हो रहा है, और उस दूसरे स्टेट से फिर फर्स्ट स्टेट पे आ रहा है, जो टाइमिंग लग रहा है वही रिस्पॉन्स टाइम होता है। जितना कम टाइम लग रहा है उतना अच्छा है। सपोज़ एक पिक्सल व्हाइट कलर से ब्लैक हो रहा है
एंड ब्लैक से फिर वाइट आ रहा है। तो इसमें जो टाइमिंग लग रहा है जितना कम लगता है उतना आपको अच्छा पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगा। दिस इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्स टाइम। ये रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा कम है, ये जो 55 इंच यानी कि नवंबर वाला मॉडल, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जो 55 इंच मॉडल है उसका जो वाटेज है, जो पावर कंजम्पशन है थोड़ा ज़्यादा है, 145 वाट है। एंड जो प्रीवियस मॉडल्स है, जो छोटा वाला मॉडल 43 इंच और 50 इंच साइज, उसका जो पावर कंजम्पशन है, जो वाटेज है, वो है 120 वाट। बस यही दो तीन सिंपल चीज़ को चेंज करके बस 55 इंच वाला नया मॉडल उन लोगों ने लॉन्च किया है। मुझे पता नहीं क्या सिग्निफिकेंस है एक 55 इंच मॉडल को अलग से लॉन्च करने का, बट क्या है तो आपको भी जानना पड़ेगा दोनों के अंदर का डिफरेंस। इस वीडियो में मैंने अच्छे तरीके से बता दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप चाहो तो देख सकते हो। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए इस तरह का वीडियोज़ और पाने के लिए। आज के लिए गुड बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।